देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो अभी आरडी शर्मा के मैथ में से, और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी की बुक में 8.8th चैप्टर है भाई, ठीक है ना। और लास्ट टाइम हम जो है ना 11.1 में थे आरडी शर्मा के, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वाला है, जो कि एनसीईआरटी में आपका 8.4 एक्सरसाइज है भाई। और उसमें हमने जो है ना तीन तो क्या पढ़ी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी कई बार बता ली, याद भी होगी होंगी, और तीन चार हमने बेसिक बातें पढ़ी। मैं अगर दो के मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई करो, पर हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में जो है ना पहले उसको साइन को उसमें चेंज करना पड़े फिर होगी मल्टीप्लाई। डिवाइड में एक टर्म हो तो अलग अलग करोगे। क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में जो है ना 68 मैंने करवा दिया, अब तुम पढ़ो 69 पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 69, इसमें आपने प्रूव करना भाई सीकेंट ए, सीकेंट ए माइनस में कोसीकेंट ए, माइनस कोसीकेंट ए इनटू में कौन है 1 प्लस टेन ए, 1 प्लस टेंजेंट ए प्लस कोट ए है भाई, प्लस में कोण है कोट ए इज इक्वल टू, प्रूव करना भाई टेन ए सिकेंट ए इज इक्वल टू कोण है टेंजेंट ए सिकेंट ए माइनस में कोण है कोट ए कोसिकेंट ए, माइनस में कोण भाई कोट ए इनटू में कोण है कोसिकेंट ए, ये हमने प्रूव करना है भाई। और प्रूव डेट मतलब लेफ्ट इक्वल टू कौन है राइट एंड। तो पहले आप लेफ्ट को करोगे सोल्व, नॉर्मली आप लेफ्ट ही उठाते हो भाई, तो सॉल्यूशन उठाओ लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट में क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट में लिखा हुआ भाई सीकेंट ए माइनस कोसिकेंट ए, माइनस में कौन है कोसिकेंट ए इनटू में भाई 1 प्लस टेंजेंट ए, 1 प्लस टेन ए प्लस में कोण कोट ए लिखा हुआ भाई, और इक्वल टू वो लेके आना है, और कई बार बता लिया। देखो अगर मल्टीप्लाई हो तो मल्टीप्लाई करोगे, पर उससे पहले आप उसको साइन कोस में करोगे चेंज, तो करनी है आपने मल्टीप्लाई, तो करो साइन कोस में चेंज भाई। तो ये आपका बनेगा सिकेंट कौन होता है 1 बाई कोस, तो सिकेंट होता है 1 बाई कोस ए, माइनस कोसिकेंट ए कौन होता है 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए होता है ना मेरा, इनटू में भाई 1 प्लस टेंजेंट कौन होता है साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस कोट ए कौन होता है कोस ए अपॉन साइन ए होता है, कोट ए कौन होता है भाई कोस ए अपॉन में कौन साइन ए होता है मेरा भाई। अब जैसे आप साइन कोस में चेंज करोगे अगला स्टेप क्या होने वाला है, एलसीएम लेने का होता है मिस्टर भाई, तो लेने एक बार एलसीएम, तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम, यानी यहां पर आपका एलसीएम बनेगा भाई कोस ए साइन ए, कोस ए साइन ए अंदर इसकी इसकी मल्टीप्लाई माइनस में इसकी इसकी साइन ए इंटू 1, यानी साइन ए होगा माइनस कोस ए इंटू में 1, तो कोस ए बनेगा आपका भाई इंटू में, यहाँ पर एलसीएम कौन होगा कोस ए साइन ए होगा, यहाँ पर भी जो एलसीएम हो कौन होगा भाई कोस ए इनटू में कौन है साइन ए बनेगा। अंदर देखो ये 1 नहीं 1 बाई 1 लिखा हुआ है, तो कोस ए साइन ए की 1 तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो कि कोस ए साइन ए आ जाएगा, कोस ए साइन ए ही होगा प्लस, इसको इससे करोगे डिवाइड, कोस तो कोस से कट गया तो साइन ए इनटू साइन ए यानी साइन स्क्वेयर ए बनेगा, साइन स्क्वेयर ए प्लस, इसको इससे करोगे डिवाइड, साइन तो साइन ए कट गया तो कोस ए इंटू कोस ए यानी कोस स्क्वेयर ए बनेगा, क्या बनेगा भाई कोस
कोस स्क्वेयर ए। अब करोगे तो भाई क्या होता है, साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर वन होता है मेरा भाई। या फिर एक काम करो, आप वन मत बनाओ भाई, आप इसको जो है ना वन मत बनाओ, बिना वन देखो, ये पूरा का पूरा जो ऊपर वाला है ना वो फॉर्मूला भाई, किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। कौन होता भाई, a माइनस बी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, किसका फॉर्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है भाई। किसका होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है। यानी ऊपर वाला कौन है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। ए क्यूब मतलब साइन क्यूब ए, माइनस में कौन, कोस क्यूब ए, माइनस में भाई कोस क्यूब ए। और डिवाइड में तो लिखोगे, डिवाइड में कौन है, कोस स्क्वेयर इंटू में साइन स्क्वेयर, कोस स्क्वेयर इंटू में कौन भाई, साइन स्क्वेयर। और अब डिवाइड में एक टर्म है ना तो अलग अलग करोगे, करना अलग अलग डिवाइड में एक बार, तो जब तुम अलग अलग करोगे तो क्या बनेगा, एक बार तो इसका पूर्ण में, जब तुम इसका पूर्ण में करोगे ये तीन पावर या टू पावर, यानी दो पावर मेरी क्या हो जाएगी, कैंसिल, यानी साइन ए अपॉन, अरे डिवाइड में एक टर्म है तो अलग अलग ही करोगे, और जब तुम इसका पूर्ण में करोगे तीन पावर है दो पावर है, दो तो आपकी कैंसिल होगी, यानी ऊपर एक पावर बचेगी, यानी साइन ए बचेगा, और नीचे कौन, कोस स्क्वेयर ए, और जो कोस स्क्वेयर ए है ना उसको मैंने कोस ए इंटू में कोस ए लिख दिया जानबूझ के, बताओ क्यों, ताकि अनुसूर मैच हो जाए, माइनस। अब एक बार इसका पूर्ण में लिखोगे, यहाँ तीन पावर या दो पावर, दो आपकी कैंसिल होगी, यानी ऊपर एक पावर बचेगी, ऊपर बचेगा कोस ए, डिवाइड में भाई कोस स्क्वेयर, दो तो आपकी कैंसिल होगी, यानी ऊपर एक पावर बची, और अपॉन में कौन, साइन स्क्वेयर ए, जो साइन स्क्वेयर ए है ना इसको मैंने लिख दिया भाई साइन ए इंटू में कौन, साइन ए। अब देखो बिल्कुल आसान, साइन बाई कोस टेंजेंट और वन बाई कोस सिकेंट मैच हो गए। साइन बाई कोस कौन होता है भाई, टेंजेंट, और वन बाई कोस कौन होता है, सिकेंट होता है, माइनस कोस बाई साइन कोट होता है, कोस बाई साइन मेरा होता है कोट, और वन बाई साइन कोसिकेंट, वन बाई साइन कौन भाई, कोसिकेंट, और वही हमें प्रूव करना। कुछ खास है नहीं भाई, जो बात मैंने बोली है ना, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो साइन कोस में चेंज करो, उससे अगला स्टेप एलसीएम लेने का होता है। अब इसके बाद जो है ना एक अदर क्वेश्चन में आपको सोचना पड़ सके, जैसे मान यही है, इसमें जो है ना a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी लिखा हुआ है, जो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, नीचे नीचे वाली मल्टीप्लाई। अब डिवाइड में एक टर्म है ना तो रूल है भाई, एक बार इसका पूर्ण और एक बार इसका पूर्ण, अनुसूर में चल गए। और देखो भाई और देखो भाई, अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 70 पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 70 में आपने प्रूव करना भाई कोस ए इंटू कोसिकेंट ए, कोस ए इंटू में कोण कोसिकेंट ए है, माइनस साइन ए, माइनस साइन ए इंटू सिकेंट ए भाई, इंटू में सिकेंट ए, और डिवाइड में लिखा हुआ भाई
कोस ए प्लस साइन ए डिवाइड में कौन है, कोस ए प्लस कौन साइन ए है, इक्वल टू प्रूव करना भाई कोसिकेंट ए माइनस सिकेंट ए इक्वल टू क्या प्रूव करना है, कोसिकेंट ए माइनस में कौन सिकेंट ए, ये हमने प्रूव करना है। और प्रूव डेट मतलब लेफ्ट इक्वल टू कौन राइट एंड, नॉर्मली आप लेफ्ट उठाते हो ना, उठाओ लेफ्ट भाई। तो सॉल्यूशन तो लेफ्ट हैंड साइड भाई, तो लेफ्ट में आपको देखो ये लिखा हुआ है, लिखो ये कोस ए इनटू में कौन कोसिकेंट ए माइनस साइन ए माइनस में कौन साइन ए इनटू में कौन सिकेंट ए और डिवाइड में कौन है भाई कोस ए प्लस साइन ए है, कोस ए प्लस साइन ए। अब करना सिंप्लीफाई, देखो एक रूल है भाई, जब आपको कुछ भी समझ में ना आए ना तो साइन कोस में करो चेंज, सोचना ही नहीं अपने आप पर हो जाएगा, ये साइन कोस में है इसको करो चेंज, कोस ए है भाई कोस ए, क्या होता है कोसिकेंट वन बाई साइन, तो कौन होता भाई वन अपॉन साइन माइनस, ये तो साइन कोस में है ही साइन ए, क्या होता है सिकेंट वन बाई कोस वन बाई कोस, और डिवाइड में तो लिखोगे कौन डिवाइड में अपना कोस ए प्लस साइन ए लिखा हुआ भाई। अब अगला स्टेप होता है एलसीएम लेने का, जो ऊपर एलसीएम क्या बनेगा, दोनों अलग अलग चीजें है ना, दोनों की मल्टीप्लाई होगा एलसीएम, यानी साइन ए कोस ए बनेगा, साइन ए इनटू में कौन कोस ए, अब इसको इससे करोगे डिवाइड ये कैंसिल, कोस ए इंटू कोस ए यानी कोस स्क्वायर ए हो गया, कोस स्क्वायर ए माइनस इसको इससे करोगे डिवाइड, कोस तो कोस ए कट गया तो साइन ए इंटू साइन ए यानी आपका बनेगा साइन स्क्वायर ए, और अपोन में कौन है कोस ए प्लस, अपोन में लिखा हुआ भाई कोस ए प्लस में कौन ये लिखा हुआ, अब ये वाली चीज यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, और साथ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी खोल लो, देखो भाई साथ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी खोलोगे क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी यानी कोस ए प्लस साइन ए इंटू ए माइनस बी यानी कोस ए माइनस में कौन साइन ए और डिवाइड में कौन है भाई ये वाली चीज देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो साइन ए कोस ए साइन ए कोस ए तो कोस ए प्लस साइन आपका यहाँ हो जाएगा कोस ए प्लस साइन ए। अब देखो ध्यान दें इससे यो कैंसिल हो गया यानी ये अपोन ये बच गया ये अपोन ये, अब डिवाइड में एक टर्म है ना तो एक बार इसका पोन में और एक बार इसका पोन में देखो क्या बनेगा, जब तुम तो इसका अपोन में करोगे तो कोस कट गया यानी वन अपोन साइन क्या होता है वन अपोन साइन कोसिकेंट, तो वन अपोन साइन होता कोसिकेंट माइनस एक बार करोगे इसका पोन में तो साइन ये कट गया तो वन बाई कोस सिकेंट होता है, वन बाई कोस कौन होता है सिकेंट, और वही देखो हमने प्रूव करना है। तो कुछ भी नहीं है भाई, अगर जो मैंने आपको बेसिक बातें बोली है ना उनके ऊपर आपका पूरा ध्यान है, अगर आपका बेसिक के ऊपर ही ध्यान नहीं है फिर मुश्किल है भाई, फिर ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल है। तो चलो तुम ना जो है ना यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।